बीजेपी चाहे निर्वाचन कमीशन के सहारे जितना जोर लगा ले जीतेंगी बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ही, ये कहना है तृणमूल नेता अहमद अली वारसी का, जो आज उत्तर 24 परगना के हावड़ा विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल प्रत्याशी हाजी नूर इस्लाम के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर टीएमसी उम्मीदवार हाजी नूर इस्लाम ने कहा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसमें इलेक्शन कमीशन भी उनका साथ दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जीत सत्य की होगी, टीएमसी की होगी। वहीं अहमद वारसी ने कहा है कि पूरा पश्चिम बंगाल दीदी के साथ है, क्योंकि वो एक ईमानदार नेत्री हैं जो सभी वर्गों का ख्याल रखती हैं। इस अवसर पर मौलाना शमीम निज़ामी और अन्य व्यक्तियों ने भी भाजपा पे जमकर कटाक्ष किया। नेत्री के विभिन्न भावे चक्रांत करा होच्छे, ताके हरानोर जन्य विभिन्न भावे पद्धति अवलम्बन करा होच्छे, किन्तु बांगलार मानुषेर काछे आरो ग्रहणजोग्य बाड़लो ममता बंदोपाध्याय प्रति आत्मविश्वास मानुषेर, जिनि हेरे जावार मान पात्री नन, उनी हेरे जावार मानुष नन, उनी लड़ाई करते जानें, उनी लड़ाई करे जाच्छेन गणतान्त्रिक पद्धतिते, एवं बांगलार मानुष आगामी दिन आरो बेशी बेशी करे भोट दिए आरो बेशी आसने जितिए तृतीयबारे जन्य बांगलार मुख्यमंत्री करबे, एते आज थेके परिष्कार हये गेल। एटा सेंट्रल फोर्स निये की की बोलबेन? सेंट्रल फोर्स जा करछे एटा ठीक करछे ना, आमरा विभिन्न भावे आतंकित मानुष, आमरा सेभाबे बोलछि, पुरो बिजेपिर हये काज करछे तारा, बिजेपिर हये प्रचार करछे, बिजेपिर हये বাতবাড়ি করছে। এই জেলায় আমাদের খুব ভালো ফল করব আমরা, বিজেপি মানে বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এটা আমাদের আশা। আমরা যথেষ্ট ভালো ফল করেছিলাম গত 2016, তার থেকেও ভালো ফল করবে এবারে। সংখ্যালঘু ভোট কোন দিকে আছে ভাই? ওটা সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর বলে না, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু উভয় ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে, এবং সংখ্যাগুরুরা তৃণমূল কংগ্রেসকে দু হাত তুলে ভোট দেবে, এটাই আমাদের। ওরা তো অনেক কথা দিল্লিতে বলেছিল, ওরা অনেক কথা ঝাড়খণ্ডে বলেছিল, উনি মহারাষ্ট্রে বলেছিল, ওনার কোনো ভবিষ্যৎবাণী খাটে না, ওনার উনি বাংলাকে চেনেন না, বাংলার মানুষ উপযুক্ত জবাব দোসরা মেয়ে দিয়ে দেবেন, সেদিন অমিত শাহ আবার খালি হাতে দিল্লিতে ফিরে যেতে হবে। সোনার বাংলা তো পহলেই সে বঙ্গাল পহলেই সে সোনার বাংলা হ্যাঁ, अब उन लोग को तो पहले गुजरात में बना के आना चाहिए। हाजी उसने कल भी हम यहाँ आए थे पीछे शासन थाना के पास, और आज भी आए हैं आवाम को देखने के बाद। हम कल भी बोला था कि हाजी नूर इस्लाम साहब 1,00,000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगे, और यहाँ भी यही दिखाई दे रहा कि बहुत भारी मतों से ही कामयाब होंगे। मड़ुआ में क्या क्या लगता है, बीजेपी या कोई दूसरा पार्टी? कोई कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है और कहीं कुछ नहीं है। बस 2016 में 30,000 वोट से जीते थे, इस बार 1,00,000 वोट से जीतेंगे। के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम ये जानते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी थर्ड मेजोरिटी से 221 सीट से ज़्यादा से जीतेंगी, और 2 तारीख के बाद सरकार जैसे है फिर से शपथ लेंगी और 99 में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो बैठेंगी। देखिए हम अपने जबान से क्या बोले, पूरा पश्चिम बंगाल का आवाम देख रहा है, आवाम देख रहा है कि सेंट्रल फोर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह मोदी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को कूच बिहार में बगैर निहत्था वोटर को लाइन में वोट देने के लिए खड़ा है, और 5 आदमी को शहीद कर दिया गया। वो तो सब कुछ बोल सकता है आज, इसलिए उन पर भी 48 घंटे का पाबंदी लगा है उनके जवान के वजह से। ममता समझे 24 घंटे का जो बैंड लगाया है, आप क्या लगता ये तो जाती है? ममता बनर्जी आज तक ऐसा कोई बात नहीं बोली है, कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं बोली है जिससे कोई बात पैदा हो, समझे? ये तो जुल्म है, और जुल्म आवाम देख रहा है, हम नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल का आवाम देख रहा है कि हमारे जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। भारी मतों से हम लोग परसा पहले भी कामयाब हुए थे, सारे लोग इस बार भी कामयाब होंगे, कहीं कोई फैक्टर नहीं है, हम लोगों के नज़र में कोई फैक्टर नहीं है। ऐसे आवाम जैसा बेहतर समझेगा, आवाम खूब अच्छी तरह जानता है कि इस बंगाल के सम्मान को, इज्जत को, आबरू को किस तरह, हम आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल के आवाम को सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, और पैदा होने से मरने तक का इंतजाम किया है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता।